your Valentine's. Happy Valentine's Day. Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Happy Valentine's Day. And no, I'm not saying for the sake ki Valentine's Day wala video aayegi to pehle hi wish kar deti hu. And literally Valentine's Day hai yaar. Aap dekh sakte ho date and time aapko yahan pe dikh raha hoga. Ye video mujhe shaam tak 1-2 ghante mein live karni hai. So mujhe laga main apna day time jo skin care routine karti hu usko aaj camera pe shoot kar leti hu with some good chit chat because I know meri maximum audience shayad aaj Valentine's Day wale din ghar baithi hogi, ek dusre ki Instagram stories dekh rahi hogi, kisi ki love wali videos dekh rahi hogi, kisi ke boyfriend ke हैंगआउट स्टोरीज देख रही होगी और काफी लोग ना सल्क कर जाते हैं. सो मुझे आप सबके साथ बैठ के बातें करनी थी. मेरी सिंगल गर्ल्स घर बैठ के कहीं ना कहीं बोर हो रही है. आई थॉट व्हाई नॉट डू अ चिट चैट वीडियो विद यू गाइस. सो लेट्स हैव अ गुड डेट टुनाइट. आप मेरी डेट बनने वाले हो आज के लिए बिकॉज मैं भी घर ही बैठी हूँ यार. एंड आई एम वेरी सॉरी अगर मैं थोड़ा सा डल लग रही हूँ आज. ऐसा नहीं है मुझे वैलेंटाइन डे का डिप्रेशन आ रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बहुत सारी वेडिंग्स चल रही है ना, बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मैं थकी थकी फील कर रही हूँ. मेरे कजन की वेडिंग भी होने वाली है. आई बी ब्लॉगिंग एवरीथिंग, सो मेक श्योर यू आर हुक्ड टू माई चैनल फॉर मोर डिटेल्स. उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पे हिट करना पड़ेगा. एंड नाउ लेट्स गो. सो स्टेप नंबर 1 ऑफ माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इज अ जेंटल क्लेंजर. आजकल मैं यूज कर रही हूँ ये डेलिकेट फेशियल क्लेंजर कश्मीरी सैफ्रन एंड नीम का फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल. ये मैंने अपने किसी मंथली फेवरेट्स में भी आपको दिखाया था. आई लव दिस वन. एकदम जेंटल है अगर आपकी अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है या मॉर्निंग के लिए आपको ऐसा फेस वॉश ढूंढ रहे हो जो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को स्ट्रिप ऑफ ना करे. बिकॉज अभी हल्के की विंटर्स ही चल रही है, अभी इतनी एक्सट्रीम वाली गर्मी नहीं आई. ओवरनाइट मुझे इतना ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता, तो मैं कोई भी स्ट्रिपिंग ऑफ वाला जो फेस वॉश होता है जो बिल्कुल स्किन को सुखा देता है, मैं वो यूज करना प्रेफर नहीं करती. आई रियली लाइक दिस वन. इसके अंदर बहुत प्यारी हल्के की खुशबू आती है, विच इज नॉट दैट परफ्यूम वाली नकली फ्रेग्रेंस जो कहीं ना कहीं स्किन को इरिटेट करती है. इट हैज अ वेरी नाइस एंड नेचुरल फ्रेग्रेंस जो बहुत सूदिंग फील होती है. सो अगर आप थोड़ा सा पैम्पर स्किन केयर रूटीन कर रहे हो ना, इसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा आपको काम डाउन करने वाली है. ऑल्सो प्लीज लेट मी नो कि आप वैलेंटाइंस डे वाले दिन आज क्या कर रहे हो. वट आर यू डूइंग राइट नाउ जब ये वीडियो लाइव जा रही है. मेरी वीडियो देखने के अलावा आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे की इंस्टाग्राम स्टोरीज पे स्टॉक कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं डेट पर जा रहे हो. आई नीड मोर वाटर. मैं अच्छे से इसको पानी से क्लीन करके वॉशरूम में फिर आपसे मिलती हूँ. सो माई फेस इज ऑल क्लीन. नाउ मूविंग ऑन टू द ग्रूमिंग स्टेप. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि काफी सारे वेडिंग फंक्शन आने वाले हैं, तो मुझे हल्के से अपर लिप्स, आईब्रोज और जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसको रिमूव करना है. सबसे पहले मैं उसके लिए लगाने वाली हूँ एलोवेरा जेल, बिकॉज मैं कभी भी ड्राई स्किन पर शेविंग नहीं करती हूँ. आई ऑलवेज यूज समथिंग जिससे वो रेजर जो है वो अच्छे से ग्लाइड हो पाए. सो मैं थोड़ा सा लूंगी. आई एम टेकिंग दिस प्लम एलो जेल. दिस इज वेरी नाइस. इसके अंदर कोई भी तरह का कलर नहीं है, कोई भी तरह का इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं डाली हुई. सो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना, ये आपको काफी अच्छे सूट हो जाएगी. आई जस्ट यूज इट ऑन माई आईब्रो एरिया जहाँ से मुझे रिमूव करना अभी है. मैं सारे को नहीं लगाती एक साथ, बिकॉज सारे को लगा दूंगी ना तो बहुत जल्दी ये सूख जाता है. इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाने वाली हूँ. सो आई बी यूजिंग माई करंट फेवरेट किट जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी. ये आईब्रो ग्रूमिंग किट एंड ओ माई गॉड इट इज सो सो गुड. ये मैंने रैंडमली ले ली थी लेकिन इसके सारे टूल्स मुझे इतने अच्छे लगे ना. इसकी सीजर ही बड़ी अमेजिंग है यार. आप नॉर्मल सीजर से अगर अपनी आईब्रोज को कट करते हो ना, प्लीज डोंट डू इट. ऐसी आईब्रो किट लो जो कहीं ना कहीं ग्रूमिंग में काम आती है. ये जो सीजर भी होती है ना, इसका एंगल इतना प्यारा है ना. इसमें एक हल्का सा कैसा एंगल दिया हुआ है जिससे आपकी आईब्रोज का एक बहुत शार्प कट निकल के आता है. तो वो मैं अभी नहीं करने वाली हूँ, मैं लास्ट में करती हूँ. सबसे पहले आई विल बी यूजिंग दिस स्पूली काइंड ऑफ थिंग जिससे मैं अपनी आईब्रोज को पहले कॉम कर लूंगी. अभी एलोवेरा जेल लगा हुआ है ना तो हल्की हल्की वेट है. व्हाट इज दिस? ओहो मेरे टॉवल का. ओके इट्स ऑल क्लीन नाउ. सो आई जस्ट कॉम इट लाइक दिस सो दैट जो इधर उधर फैल रहे ना बाल अभी, वो अच्छे से ग्रूम हो जाए. एंड देन आई मूव ऑन टू द शेविंग पार्ट एंड वी आर डन. सो इसके अंदर एक बहुत सही रेजर है जो आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है. ये परफेक्ट है. मुझे पहले बड़े वाले रेजर से आईब्रो करते हुए इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती थी ना, बिकॉज यहाँ सेंटर से आपको ऐसे टेढ़ा पकड़ना पड़ता था, यहाँ से वो रेजर ग्लाइड नहीं होता था. सो इसके अंदर एक छोटा आईब्रो रेजर आता है विच लुक्स लाइक दिस. इसका लिड भी है ये, सो आप इसके अंदर ट्रैवल भी कर सकते हो. यहाँ पे एक कोम सा मिलता है आपको. एंड वंस यू ओपन इट दिस इज हाउ द रेजर लुक्स लाइक. इट इज टाइनी, इट इज परफेक्ट. अगर आपको प्रॉपर शेप देनी है अपने आईब्रोज को तो आप ये यूज कर सकते हो. आई लव द फैक्ट इसका एरिया इतना छोटा है तो बहुत इजीली ग्लाइड भी हो जाता है सेंटर से. तो सबसे पहले मैं सेंटर के बाल ही निकालने वाली हूँ. काफी छोटे छोटे टाइनी हेयर होते हैं यहाँ पे, मैं वो रिमूव करने वाली हूँ. आई थिंक कोविड के बाद मैंने कभी भी अपने आईब्रोज सैलून से नहीं बनवाई. मैं रेजर से अपने आईब्रोज को ग्रूम करती हूँ बिकॉज दैट इज इनफ फॉर मी. मुझे अब सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ती फॉर माई आईब्रोज. ऑल्सो ये वाली जो शेप है ना, ये इस एरिया के लिए भी एकदम परफेक्ट है बिकॉज यहाँ पर ना ऐसे बड़ा वाला रेजर ग्लाइड नहीं हो पाता, लेकिन ये काफी ईजिली ग्लाइड हो जाता है. सो आई जस्ट डू इट लाइक दिस. इसे पकड़ के भी अपने रेजर को यूज कर सकते हो. इससे ज्यादा क्लोज शेप आपको अचीव होगी बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी आई स्ट्रेच हो जाती है. सो आई जस्ट स्ट्रेच दिस एरिया लाइक दिस.
जस्ट क्लीन दिस अप विद अ टिश्यू. मेक श्योर आप इसको जब रखोगे वापस आप इसको सैनिटाइज करके रखो. कभी भी डर्टी रेजर नहीं यूज करना चाहिए, अदरवाइज एक्ने का इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ जाएगा. एंड आई विल यूज द सेम ऑन माय अपर लिप. We are done with our eyebrows. Yes, I was talking about this scissor now, so I'll be using this scissor to trim down this area. यहाँ पे मैं razor नहीं मारती because ये वाली जो growth है ऐसे बिल्कुल straight straight आती है, तो यहाँ easily scissor चल जाती है. So I'll just use this scissor. इसका एक angle जाता है जो हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको अपनी scissor को ऐसे पकड़ना होता है. Can just groom it like this. जो भी extra बाल हैं उसको ऐसे करके निकाल सकते हो. एंड विद दिस माय आईब्रोज आर डन. सो आई वॉश माय फेस अगेन विद जस्ट प्लेन वाटर. मैंने फेस वॉश नहीं यूज किया, खाली पानी से क्लीन कर लिया सो दैट इधर उधर जो एक्स्ट्रा बाल चिपक जाता ना वो अच्छे से रिमूव हो जाए. बाय द वे अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा मैंने यहाँ पे एक स्पॉट पैच भी लगाया हुआ है, पिंपल पैच, जो मैंने पहले ही लगाया था शेविंग करने से पहले. सो जब भी आप फेशियल शेविंग करो आपको लगता है कहीं पर आपको पस वाला एक्ने हुआ हुआ है, पस्टूल हुआ हुआ है, कोई बड़ा एक्ने है, तो आप उसके ऊपर पहले ही स्पॉट पैच लगा लो ताकि सेफ्टी के लिए वहाँ पे रेजर ना लगे, वहाँ पे रेजर टच भी ना हो और स्मूथली फिर आप उसके आसपास भी शेविंग कर सकते हो. तो ये पैच मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ था. इसको मैं अभी रिमूव नहीं कर रही बिकॉज मैं इसको लगा के रखना चाहती हूँ रात तक ताकि वो अच्छे से अंदर का सारा जो पास है वो निकल जाए. आई लिंक दिस पैच इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. मैं माय हॉल स्टोर का एक लिंक डालूंगी, उसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो मैं अमेजोन से मैं यूज कर रही हूँ बेसिकली. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, आई बी यूजिंग दिस एसेंस. ये मैंने ऑलरेडी आपको जनवरी फेवरेट्स वीडियो में दिखाया है. ये कॉसरेक्स का एडवांस नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस. दिस इज सो सो गुड. अगर आपकी स्किन रेड हो गई है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, आपको एक्नी वैसे रेडनेस रहती है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. आपने नॉर्मल टोनर की बजाय ना एसेंस यूज कर सकते हो. सो ये जो है ये थोड़ा सा गुई गुई जैसा एसेंस है, थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी चिपचिपा फील होता है ना बिकॉज ये स्नेल का एसेंस है. और मैं इसको यूज करूंगी एज अ नाइस थिन लेयर. मैं हमेशा शेविंग करने के बाद इसको यूज करती हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से काउंट डाउन कर देता है. जहां जहां पर मैंने अभी रेजर यूज किया ना वहां मैं इसको अच्छे से लगा लेती हूँ सो दैट मेरी हल्की सी स्किन जो है काम डाउन हो जाए. अभी स्किन हल्की हल्की मेरी इसकी वजह से डैम्प एंड स्टिकी स्टिकी फील हो रही है. सो मैं इसको ज़्यादा देर वेट नहीं कराऊंगी. अगर मैं कोई और सीरम यूज़ कर रही होती इसके बाद जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड नहीं है तो मैं इसी एसेंस को ना लगे रहने देती, मैं वेट करती ताकि स्किन में अच्छे सिंक इन हो जाए, उसके बाद मैं कोई और सीरम यूज़ करती. बट बिकॉज मैं आज यूज़ कर रही हूँ स्पेशली आजकल मैं दिन में यही वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ मिनिमलिस्ट का अल्फा आर्बिटिन 2% एंड हाइलुरोनिक एसिड 1% सीरम. सिंस इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है तो मैं हल्का सा अभी जैसे स्किन डैम्प है ना उसके ऊपर फटाफट ये लगा लूंगी बिकॉज ये बेटर वर्क करता है स्किन के ऊपर अगर डैम्प वो होती है. बाय द वे अगर आपका आपको बहुत ज्यादा एक्ने मार्क्स के इशू है, पिगमेंटेशन के इश्यूज हैं, आपका स्किन बहुत डल हो चुका है, टैनिंग बहुत ज्यादा हो गया, आप ओवरऑल स्किन ब्राइटनिंग पे वर्क कर रहे हो ना, अल्फा आर्बिटिन बहुत अच्छा है आपके लिए. अभी वेडिंग आने वाली है तो मेरा मन है थोड़ा सा और ज्यादा इसको यूज करने का. अदरवाइज मैं इसको काफी बार नाइट टाइम में हफ्ते में एक या दो बार यूज कर लेती थी. काफी सेफ है स्किन के लिए, आप इसको डेली मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हो. तो अब मैं इसको ज्यादा कंसिस्टेंटली यूज करूँ बिकॉज अभी मुझे थोड़ा सा ब्राइटन अप और एक्ने मार्क्स के ऊपर वर्क करना है. एंड लिटरली खत्म हो चुका है मेरी थर्ड बॉटल है बाय द वे, ये मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है. सो आई जस्ट टेक सम ऑन माई हैंड्स, मसाज इट अ लिटिल बिट, ज्यादा नहीं करना, रगड़ना नहीं है, कोई भी एक्टिव को रगड़ते नहीं है, खाली उसको ऐसे स्प्रेड किया एंड जस्ट डैबिंग इट इन टू माई स्किन लाइक दिस. सीरम का ड्रॉपर भी कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं लगाते. आई नो वो इंस्टाग्राम पे आपको दिखाते हैं बट अवॉइड क्या करो यार, डोंट फॉलो दोज इन्फ्लुएंसर्स जो ऐसे चिपका चिपका के ड्रॉपर से लगा रहे होते हैं, दैट इज वेरी अनहाइजीनिक. सो सिंस इसके अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड है ना ये भी काफी स्टिकी स्टिकी और हैवी फील होता है. ये मुझे मेकअप से पहले भी काफी अच्छा लगता है. आप कभी भी हैवी मेकअप करो ना आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम यूज करो बिकॉज इसकी जो प्लमनेस होती है, इसकी जो स्टिकीनेस होती है ना ये आपके मेकअप को बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं चिपका के रखती है आपके फेस से. सो अच्छे से मैं इसको मसाज अप करने के बाद थोड़ा थोड़ा डैप कर दूंगी. अभी मेरी हल्की स्किन स्टिकी स्टिकी फील हो रही है. सो इसके बाद मैं वेट करने वाली हूँ बिकॉज इसके बाद अगर मैं फटाफट कोई भी सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ ना मेरी स्किन एकदम पील होनी शुरू हो जाती है. स्पेशली सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर इतना नहीं होता. कोई भी आप सनस्क्रीन एकदम सीरम के बाद लगा लोगे ना गीली गीली स्किन पर तो ऐसे उसमें पील निकलने शुरू हो जाते हैं. तो मैं इसको अच्छे से अभी सिंक इन होने दूंगी अपनी स्किन के ऊपर एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. तब तक प्लीज़ आप मुझे बताओ यार आप क्या कर रहे हो वैलेंटाइंस डे पे. आई नो मैंने जस्ट अभी ये क्वेश्चन पूछा बट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपका सेल्फ लव का डेफिनेशन क्या है. व्हेन आई से सेल्फ लव तो आप क्या करना पसंद करते हो. आप जर्नलिंग करना पसंद करते हो, आप अपना जो मंथली या ईयरली प्लानर होता है उसको कुछ ना कुछ लिखना पसंद करते हो, या फिर आप स्किन केयर, आप नेटफ्लिक्स देखना पसंद करते हो. बाय द वे यस्टरडे आई वॉच गहराइयां एंड ओ माई गॉड काफ़ी गहरा था वो. मतलब मिक्स रिव्यूज से मैंने जिसकी वजह से वो देखा ना, इट वॉज बिकॉज ऑफ मिक्स रिव्यूज. कुछ कुछ लोग कहते बहुत अच्छे, कुछ कुछ लोग कहते बड़ा
डिप्रेशन आ गया, मजा ही नहीं आया. तो बड़ी कंफ्यूज थी, तो क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने मूवी देखी. एंड पर्सनली आई थिंक आई लाइक इट, लेकिन वो जिस तरह अब्रप्टली एंड हो गई थी ना, वो मुझे पसंद नहीं आया. प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियन द कॉमेंट्स बिलो कि आपको गहराइयाँ कैसी लगी. आई थॉट कि एकदम खत्म हो गई, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कुछ और आएगा. अगर उस चीज को कहीं ना कहीं वो ठीक वे में एंड करते ना, तो शायद हमारे अंदर भी एक ओपन एंडिंग जब नहीं होती ना तो अच्छा फील होता. लेकिन उस मूवी की ओपन एंडिंग से ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है. अदरवाइज मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी. आई थिंक एंग्जाइटी और जो भी पास्ट ट्रॉमा होते हैं, फैमिली ट्रॉमाज होते हैं, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया कि एक्चुअली वो आपको मेंटली इमोशनली कैसे अफेक्ट करते हैं. सो कूडोज ऑन दैट पार्ट. अगर आप भी वैलेंटाइन डे पे गहराइयां देख रहे हो बैठ के, तो मुझे बताना. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. अच्छे से स्किन में सिंक इन हो चुकी है नाउ. अभी धूप नहीं है, धूप जा चुकी है. ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं. 4-5 बजने के बाद तो मैं भी सनस्क्रीन नहीं लगाती, बिकॉज वो जो मेन टाइम होता है वो जा चुका होता है. अगर मैं मॉर्निंग टाइम में कर रही होती तो मैं डेफिनेटली सनस्क्रीन लगाती. मैं क्योर्स की मिनरल सनस्क्रीन लगाती हूँ, जो ग्रीन वाली आती है. घर के लिए वो बहुत है, बिकॉज SPF 30 इज मोर देन इनफ एट होम. लेकिन अभी मैं यूज करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर. आई एम लविंग दिस मॉइस्चराइजर. ये मैंने आपको जैन फेवरेट्स में दिखाया था. आपने मेनली मेरे फेवरेट्स में देख ही लिया होगा कि मैं आजकल क्या यूज कर रही हूँ. ये ईक्लैट की डबल रिपेयर हाइड्रा मॉइस्ट हाइड्रो प्लम्पिंग वेटलेस मॉइस्चराइजर क्रीम विद प्रो बैलेंस. सो इस क्रीम के अंदर ना प्रो बायो बैलेंस है, सेरामाइड है, नायसिनमाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, पेंथलॉन है, कैमेला लीफ एक्सट्रैक्ट है, लिंसीड ऑयल है. तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये अगेन स्किन को काम डाउन करने में और जो भी आपको रेडनेस होती है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि कहीं ना कहीं हाइड्रेट करता है, ब्राइटन करता है, सूद करता है स्किन को. इन्फेक्शन जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज हो चुका है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश करता है. सो ये भी एक्ने स्किन के लिए बहुत अच्छी है. ये एक्चुअल में हाइड्रो प्लम्पिंग वेटलेस मॉइस्चराइजर है, इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ये हैवी फील होती है, मतलब मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मुझे निचोड़नी पड़ रही है, बिकॉज ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है. हाँ जो बेटा, ओके. सो यू कैन सी द टेक्सचर. इसका टेक्सचर कितना थिक थिक फील होता है, जैसे बड़ा बहुत ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर होगा. बट ये ऐसा नहीं है. वंस ये स्किन में चली जाती है ना, ये बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होती. सिंस इसके अंदर नायसिनमाइड भी है ना, तो वो भी अच्छे से मेरी स्किन के जो पोर्स एंड ऑल होते हैं, रेडनेस होती है, उस पर वर्क करेगा. एक्ने मार्क्स को हील करने की कोशिश करेगा. इसके अंदर 5% नायसिनमाइड है, विच इज जस्ट परफेक्ट. अगर आपको 10% नायसिनमाइड से रेडनेस हो जाती है, आपको सूट नहीं करता, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस मॉइस्चराइजर. इस मॉइस्चराइजर के साथ आप कोई और सीरम स्किप भी कर सकते हो, जैसे मैंने अल्फा आर्बिटिन स्किन ब्राइटनिंग के लिए लगाया, तो आप वो स्किप कर सकते हो, बिकॉज 5% नायसिनमाइड इज मोर देन इनफ. मॉइस्चराइजर इज कंप्लीटली इनटू माय स्किन एंड विद दिस माय मेन स्किन केयर इज कंप्लीट. लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ, बिकॉज लिप्स की भी बारी है. आई लाइक टू हाइड्रेट माय लिप्स रियली वेल, स्पेशली अभी तो विंटर्स चल रहा है ना. वेयर इज माय लिप बाम, मैंने भी लगाया था स्टार्टिंग में. या स्टार्टिंग मैंने लगाया था, बिकॉज बहुत ज्यादा चापी चापी फील हो रहा था. सो आई विल बी यूजिंग दिस प्लम कैंडी मिल्स लिप बाम. आई लव दिस लिप बाम एट होम. अच्छे स्किन लिप्स को मैं नरिश भी करता है. सो मैं हल्का सा ऐसे नेल्स की बैक साइड से ऐसे लेके, आई यूज इट लाइक अ नाइस थिन लेयर मास्क. मैं काफी बार इसको रात को लगा के भी सो जाती हूँ. दिस वॉज माई सेल्फ लव रूटीन इन द मॉर्निंग, जो मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ. आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एक माई हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन पे ईजिली अवेलेबल होंगे. मैं स्पॉट पैच का लिंक भी दे दूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हो. अगर आपको भी एक्ने पस्टूल्स के इशू होते हैं, आप ऐसा स्पॉट पैच लिख सकते हो. ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. लाइक 8 या 10 घंटे में सारे गंक को एब्जॉर्ब करके अच्छे से सारे अंदर से जो भी गंक होता है ना एक्ने का, वो निकाल देता है. एंड योर एक्ने इज काइंड ऑफ काम डाउन आफ्टर दैट. और बाय द वे, जो भी लोग पूछेंगे स्पॉट पैच के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं उस एरिया को क्लीन करके फिर यही स्नेल एसेंस उस एरिया में लगा लेती हूँ, ताकि वो कहीं ना कहीं सूद हो जाए. सो उसको हीलिंग भी उसकी काफी जल्दी हो जाती है. दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपके 10-15 मिनट जो आज वैलेंटाइन डे के थोड़े से बोरिंग जा रहे थे, मैंने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसको इन्फॉर्मेशनल बना दिया. एट द सेम टाइम मैंने भी आप सबके साथ एक चिट चैट वाली बातें कर ली. प्लीज लेट मी नो कि आप आज क्या कर रहे हो, मुझे भी कॉमेंट्स में सुनना है. वट आर योर वैलेंटाइंस डे प्लान, आपका सेल्फ लव क्या है बेसिकली, सब मुझे कॉमेंट्स में एक एक बताओ कि आपके लिए सेल्फ लव की डेफिनेशन क्या होती है. हाउ यू एक्सप्रेस लव टू योर सेल्फ, बिकॉज आई थिंक हमें सबसे पहले प्रायोरिटी खुद को ही देनी चाहिए. दूसरों को जिंदगी भर टाइम देते रहोगे, उनके लिए करते भी रहोगे, आई थिंक सबसे पहले खुद के लिए करो, खुद का ध्यान रखो. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.